नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे धर्म अधिकारी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। धर्म अधिकारी सन 1986 में आई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार, जितेंद्र, रोहिणी हतांगड़ी, श्रीदेवी, प्राण, कादर खान, शक्ति कपूर, आसरानी, मयूर वर्मा, राजन हंसकर, राकेश बेदी, सुजीत कुमार, प्रदीप सक्सेना, दिनेश हिंगू, प्रीति सप्रू, अनुराधा पटेल और शिवराज नजर आए थे। इस फिल्म को के राघवेंद्र राव ने डायरेक्ट किया था। ऐसे प्रोड्यूस किया था उपलपति सूर्य, नारायण राजू और कृष्णम राजू ने। और इस फिल्म की कहानी परुचूरी ब्रदर्स ने लिखी थी। इसके डायलॉग्स राजेंद्र किशन ने लिखे थे। इस फिल्म को 11 अप्रैल सन 1986 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 1,80,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 3,90,00,000 के कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 7,00,000 का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 56,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 4,50,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 6 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1986 की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की, तो इस फिल्म के म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिए थे। इसके लिरिक्स इंदवर ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे। इसके कुछ गाने अच्छे हिट रहे थे। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म सन 1984 में आए तमिल फिल्म बोबेली ब्राह्मणा की हिंदी रीमेक थी। नंबर 2, इस फिल्म में जितेंद्र पहले डबल रोल निभाने वाले थे। इस फिल्म में वे बाप और बेटे का रोल निभाने वाले थे। बाद में जितेंद्र को लगा कि एक रोल अगर दिलीप कुमार निभाएंगे तो फिल्म को ज्यादा पब्लिक मिलेगी, इसलिए उन्होंने धर्मराज वाला रोल दिलीप कुमार को ऑफर किया था और दिलीप कुमार इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गए थे। जबकि इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन में दोनों का रोल एक ही एक्टर कृष्णम राजू ने निभाया था। नंबर 3, इस फिल्म में कादर खान और दिलीप कुमार 10 साल बाद साथ नजर आए थे। इससे पहले दोनों ने बैराग फिल्म में काम किया था, जो सन 1976 में रिलीज हुई थी। नंबर 4, इस फिल्म के लिए श्रीदेवी की आवाज को डब किया गया था। उनकी आवाज को एक डबिंग आर्टिस्ट ने डब की थी। नंबर 5, धर्म अधिकारी फिल्म जितेंद्र की एक और फिल्म लॉकेट के साथ क्लैश हुई थी। नंबर 6, ये फिल्म जितेंद्र और दिलीप कुमार के साथ में एकमात्र फिल्म थी। नंबर 7, इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म में पहले धर्मेंद्र और विनोद खन्ना को लेना चाहते थे, लेकिन कुछ कारण से बाद में उन्हें नहीं लिया गया था। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।